चलो बाहर आओ। 15 दिन में वर्षा नहीं हुई तो ये महाराज से कहकर आया है कि अपने प्राण त्याग देगा। हाँ, प्राण त्याग देंगे? ये सिर्फ नाम का ही गरीब है ईश्वर जी। गाँव का सबसे अच्छा आदमी है ये। प्रतिदिन जब तक वो किसी अतिथि को भोजन नहीं करवा लेता तब तक ये खुद भोजन नहीं करता। इतना कठोर नियम है इसका। वो शक्ति है वहाँ, उसे मैं भी छू नहीं पाया। वो इस प्रकार बांध कर मार रहे हैं आप? मैं कोई कठोर हृदय का व्यक्ति नहीं हूँ कि ये सब देख करके चला जाए। सीधी बातें मत कर, ये धर्म के विरुद्ध है। तेरा ये कर्म पूरी तरह से अधर्म है। तुझे शिक्षा मिलनी ही चाहिए। अतिथि हमें क्षमा कर दीजिए, भोजन में आज हमारे यहाँ सिर्फ साग बना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप इसे बड़े हृदय से स्वीकार कर लीजिए। सभी जीव जलकर खत्म हो गए मालिक। क्या कह रहा है था मालिक? अतिथि बनकर कपाली आया है बेटा। उस भक्षी को नरक का मांस पसंद है, इसलिए तुम्हारे पिताजी तुम्हें मार कर उसे खिलाने की तैयारी कर रहे हैं।